आपका क्वेश्चन था कि मिस्टर राम ने बिजनेस स्टार्ट किया 5,000 रुपए से और डेट क्या है 1/5/2015। ठीक है, आपने कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाया, लेकिन अब चूंकि राम का नाम आ गया है तो इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि अरे बाप रे, अब तो राम का नाम आ गया इसमें, तो मतलब जिसने बिजनेस स्टार्ट किया उसका नाम भी है, तो इसके लिए कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। टैली प्राइम ने काम को इतना आसान बना दिया है कि कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगी। आपने एक लेजर ऑलरेडी बना दिया है कैपिटल अकाउंट का, कंफ्यूजन यहाँ क्रिएट हुई है और पता नहीं वहां राम का नाम है कि नहीं है, शायद नहीं डाला, तो कहाँ डालेंगे वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, लाइक कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाया आपने, एक्सेप्ट कराया है, किस डेट पे हुआ है? एक जुलाई 2019। तो अभी हम लोग डेट आपने चेंज किया, एक जुलाई 2019 कीजिए, 2019 था, ठीक है, करिए। ये एंट्री थी ना सर, 1/5, अच्छा ठीक है, 1 जुलाई 2019 करिए। ठीक है, एंटर कीजिए। ये क्या प्रॉब्लम हो रही है, फाइनेंशियल ईयर चेक कीजिए आप। फाइनेंशियल ईयर पे जैसे आएंगे तो यहाँ 15-16 रखा है, आप 1 जुलाई की एंट्री पास कर रहे हैं, यानी कि आपने एंट्री पास ही नहीं किया है, एंट्री नहीं पास हुआ है। तो सबसे पहला काम आप ये करिए कि 15 में ही एंट्री पास कर डालिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ नीचे यही है कि मिस्टर राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹5,000, ठीक है, तो उसी डेट पर 1/5/2015 डेट चेंज कर लीजिए आप। फाइनेंशियल ईयर समझ में आ रहा है, देख लीजिए, अगर ऑल्ट के साथ F2 प्रेस करेंगे तो फाइनेंशियल ईयर आपको दिख जाएगा, यही आपकी फाइनेंशियल ईयर है, नजर आ रहा है ना, तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर 1/5/2015 को ही हमको वो एंट्री पास कर देनी है, ठीक है, राम मिस्टर राम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो बाउचर में चले जाइए, जाइए कौन से बाउचर में एंट्री पास होगी, रिसीप्ट बाउचर, बिल्कुल, तो रिसीप्ट बाउचर में हमको एंट्री पास करनी है। आ गए रिसीप्ट बाउचर में, अब यहाँ क्रेडिट आ रहा है, बहुत आसान है, बता ही रखा है मैंने। अब यहाँ पर आ रहा है 31 मार्च 2016, ये चेंज करना पड़ेगा, तो F2 कर दीजिए इसको, 1/5/2015 कर दीजिए, खाली 15 लिख देंगे तो भी हो जाएगा, एंटर प्रेस कर दीजिए। आप देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है, देखिए ये मैं कई बार बता चुका हूँ और आपसे अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, जब कंपनियां आप बनाए थे तो कंपनियां बनाते समय क्या रखे थे, फाइनेंशियल ईयर, मैं अभी दिखा देता हूँ, देखिए इसी को चेंज करने की जरूरत है। देखिए अब यहाँ पर सब कुछ तो आपने सही कर दिया है, लेकिन अभी भी ऐसी दिक्कत आ रही है, तो आप सीधा चले जाइए कंपनी को अल्टर कर लीजिए, तो F3 प्रेस करता हूँ, कंपनी को अल्टर करता हूँ, दिखा देता हूँ आपने डेट क्या रखा है, ठीक है, क्या नाम था, एक अग्रवाल नाम था, तो ये देखिए ये कंपनी का नाम है और कंपनी में फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2019 से, और आप डेट चेंज कर दिया, फाइनेंशियल ईयर सब कुछ चेंज कर दिया, फिर भी दिक्कत आ रही थी। इसीलिए दिक्कत आ रही थी कि ये जो डेट आपने रखा है, फाइनेंशियल ईयर रखा है, कंपनी बनाते समय रख दिया है 1 अप्रैल 2019, पर हम बार बार उसी को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपने कंपनी बनाते समय ये डेट रख दिया है, तो आपको कंपनी में जाकर के ये डेट चेंज करनी पड़ेगी, तब ये चेंज होगा। तो यहां पर आप कर दीजिए क्या, 1/4/2015 कर दीजिए, क्योंकि 15 में काम शुरू हो रहा है, तो ये 15 हो जाएगा। और यहां पर देखिए काम कब से शुरू हो रहा है, ये कह रहा है ना कि अगर आप चेंज करेंगे तो आपका पुराना डाटा प्रभावित हो सकता है, हो सकता है कि लॉस हो जाए डाटा, जरूरी नहीं कि लॉस ही हो जाएगा, लेकिन लॉस हो सकता है, तो आप इसका बैकअप रख सकते हैं, फिलहाल बैकअप रखना बाद में बताऊंगा, एंटर प्रेस कर देता हूं। अब ये हो गया, अब मान लीजिए काम अगर आपका 1 अप्रैल से शुरू हो रहा हो तो 1 अप्रैल डाल सकते हैं, लेकिन हमारा काम कब से शुरू हो रहा है, 1/5 यानी 1 मई से शुरू हो रहा है, 1/5/2015, तो 1/5/15 कर देता हूं यहाँ पे, एंटर प्रेस करता हूं। अब देखिए ये हो गया ना, यहां से गलती हो रही थी और इसलिए आप परेशान, नए लोग होते हैं जो नहीं जानते इसके बारे में, भाई कोई भी नहीं जानेगा तो परेशान हो जाएगा, तो यहां पर आकर के अब इसको आप एंट्री पास करेंगे तो ये आसानी के साथ एंट्री पास कर पाएंगे, तो यहां से सीधा रिसिप्ट बाउचर में आ जाइए और जो एंट्री पास कर रहे थे वो पास कर लीजिए। कौन से डेट पे पास करनी थी एंट्री, हाँ तो अब आप F2 प्रेस करके डेट चेंज कर लीजिए, हाँ हाँ कर सकते हैं, एंटर कीजिए, आ गया ना, अब कैपिटल अकाउंट कर दीजिए,
कितना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं? 5000 कर दीजिए, एंटर करिए, एंटर करिए। कैश में कर रहे हैं, एंटर कर दीजिए। हो गया, ये एंट्री पास हो गई, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम यहां खड़ी हो रही है कि नाम दिया हुआ है, मिस्टर राम ने स्टार्ट किया था, तो फिर उस लेजर को एडिट कर देते हैं। कैसे एडिट करेंगे? यहां पर आ जाइए, और ये दिया है अल्टर, अल्टर में जाइएगा तो कुछ भी एडिट कर पाएंगे, चाहे लेजर हो, चाहे स्टॉक आइटम का खाता हो, चाहे लेजर हो। तो यहां पर आ जाइए, और यहां पर हमको लेजर को एडिट करना है, तो लेजर में आ गए, और कैपिटल अकाउंट को एडिट करना है तो कैपिटल अकाउंट में आ जाइए। यही ना है, यहां पर आप नेम दे दीजिए, ये जो दिख रहा है ना, यहां पर कैपिटल अकाउंट के बजाय दे दीजिए राम, मिस्टर राम थे ना, तो राम जी दे दीजिए। यहां पर इनका एड्रेस डाल दीजिए, जहां के भी हो तो ये एड्रेस डाल दीजिए। अब इसको एक्सेप्ट करा लीजिए कंट्रोल ए प्रेस करके। हो गया, समझ में आ गई। यही एंट्री आपको पास करनी थी, जो आपने पास कर दिया है। अब जब इसका रिसिप्ट देखेंगे कैसा इसका प्रिंट निकलेगा, ठीक है, तो दो बार डी प्रेस कर दीजिए। ध्यान रहे कि डेट वही होनी चाहिए जो आपने सेलेक्ट किया था उस समय, यानी कि जब आप एंट्री पास कर रहे थे तो कौन सी डेट थी, ये डेट थी ना, यहां पे देख सकते हैं, ठीक है। अभी आपका करेंट डेट ये हो गया है, तो अगर करेंट डेट से कोई मतलब नहीं, ये एंट्री हमारी इस डेट पे हुई है, ठीक है। अब अल्ट के साथ पी प्रेस कीजिए, अल्ट, दो हाथ, दोनों हाथ चलाइए, अल्ट प्रेस कीजिए एक हाथ से, दूसरा से पी, एंटर प्रेस कीजिए एक बार, आई प्रेस कर दीजिए प्रीव्यू के लिए, खाली कीबोर्ड से आई। अब देखिए ये प्रीव्यू दिखाएगा, ये आपने जो एंट्री पास की थी वो ये एंट्री है, देख सकते हैं आप, आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया है अपने ही कंपनी में, ठीक है, 5000 रुपए। बात समझ में आ गई, जब नाम देगा तो कैसे किया जाएगा।